अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हाउ टू लर्न एंड स्पीक चाइनीज़ विद सादिया तारिक। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, वीडियो को एंड तक देखें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का वर्ड है वो हम चाइनीज़ में कैसे बोलेंगे। सिंपली वर्ड है यून शो, वाई यू एन यून एस एच यू शू यून शू। आप ना भी ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करें, अगर आपको डिफ़िकल्टी लगती है तो आप सिंपली कार, बाइक, बस ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप रोज़मर्रा की अपनी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको अब हम चाइनीज़ में कैसे बोलेंगे। इसमें जो पहला वर्ड आ जाता है वो आ जाता है कार का। कार को अब हम क्या कहेंगे, कार को हम कहते हैं छी छा, क्यू आई छी सी एच ई छा, छी छा कार को कहते हैं। बाइक को हम कहते हैं मो तुओ छा, एम ओ मो टी यू ओ तो सी एच ई छा, मो तुओ छा बाइक को कहेंगे। उसके बाद बस को हम कहेंगे कोंग कोंग छी छा, कोंग कोंग छी छा, जी ओ एन जी कोंग, जी ओ एन जी कोंग, क्यू आई छी सी एच ई छा, कोंग कोंग छी छा। प्लेन को हम कहेंगे फेई ची, एफ ई आई फेई, जे आई ची, जे की साउंड चे की साउंड देती है तो फेई ची। टैक्सी को हम कहेंगे छू जू छा, सी एच यू छू जेड यू जू सी एच ई छा, छू जू छा। बाईसाइकिल को हम कहेंगे जी शिंग छा, जेड आई एक्स आई एन जी जी शिंग सी एच ई छा, जी शिंग छा। एम्बुलेंस को हम कहेंगे च्यू हु छा, J I U Q H U Hu C H E Cha, Q Hu Cha। बोट को हम कहते हैं छुआन, C H U A N छुआन। ट्रेन को हम कहेंगे ख्वा छा, ख्वा छा, H U O ख्वा C H E छा, ख्वा छा। पुलिस कार को हम कहते हैं चिंग छा, चिंग छा, जे आई एन जी चिंग छा, चिंग छा हम पुलिस कार को कहते हैं। अब हमने किसी से अगर क्वेश्चन करना है तो अब हम वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन भी करने के लिए बहुत सिंपल वे है। अगर कोई हमसे क्वेश्चन करता है या हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो अब हम कैसे करेंगे। नी का मतलब इसमें यू होता है, एन आई नी यू, ज़मा हाउ के लिए भी यूज़ होता है। वैसे ये प्रॉपरली वर्ड जो होता है ज़मा यांग होता है, लेकिन यहाँ पर हम ज़मा भी यूज़ कर देंगे तो ये हाउ के लिए यूज़ होगा। जेड ई एन एम ई ज़मा। लाए, लाए का वर्ड होता है एल ए आई, लाए टू कम के लिए यूज़ होता है ये वर्ड। ता और ला, डी ई ता, डी की साउंड ते की साउंड देती है, ता और ला, ये कंप्लीट के लिए होता है। क्वेश्चन पार्टिकल को आपने कंप्लीट करना है, कोई क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो ला जौन सा है वो कंप्लीशन के लिए है, क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए है। अब ये पूरा वर्ड कैसे बनेगा, नी जमा लाए ता या फिर ला आप लगा सकते हैं, इसका मतलब बनेगा हाउ डिड यू कम, आप कौन सी चीज़ से आए हैं। आप किसी से पूछ रहे हैं या आपसे कोई पूछ रहा है तो आप से इस तरह से कोई पूछ सकता है, नी जमा यू कम, हाउ यू कम, आप किस तरह से आए हैं। ला टू कम, ला क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए है, आप किस चीज़ पर आए हैं। अब आपने आंसर करना है या सामने वाला पर्सन आपको अब आंसर कर रहा है तो किस तरह से करेगा, वा लाए जो। वा का मतलब आई एम होता है, लाए का मतलब टू कम होता है, जो बाय होता है, टू सिट के लिए भी यूज़ होता है ये। जैसे आप बस में बैठ रहे हैं, किसी चीज़ में बैठ रहे हैं तो किसी चीज़ में बैठकर अगर आप आए हैं ना तो उसके लिए जो का वर्ड साथ में ज़रूर यूज़ होगा। जैसे ये पूरा वर्ड अब कंप्लीट बनेगा, आई एम कम बाय, आप कुछ भी कह सकते हैं, कार से आ सकते हैं, बाइक से आ सकते हैं, जिस भी चीज़ से आए हैं तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वा लाए जो, छी छा
کار سے آئے ہیں، اگر آپ نے کار ڈرائیو کر کر آئے ہیں تو یہاں پر ایک، اگر آپ کوئی چیز ڈرائیو کر کے آئے تو یہاں پر کھائے کا ورڈ ایک یوز ہوتا ہے، کے اے آئے، کھائے. تو اگر آپ نے ڈرائیو کی ہے کوئی چیز تو آپ کہیں گے وا لائے کھائے چیچھا، آپ کہہ دیں گے کہ میں اس چیز کو ڈرائیو کر کر آیا ہوں، میں کار کو ڈرائیو کر کر آیا ہوں، میں بیٹھ کر نہیں آیا. لیکن اگر آپ بیٹھ کر آئے ہیں، کار میں بیٹھ کر آئے ہیں کسی سے آپ، یا ٹیکسی میں جیسے بیٹھ کر آتے ہیں کسی جگہ پر، تو آپ کہہ سکتے ہیں زو ٹو سٹ، میں بیٹھ کر آیا ہوں، یعنی کہ کسی نے مجھے یہاں پر چھوڑا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہے چینل میں، کوئی کوشچن سمجھ نہیں آیا، ڈسکرپشن میں میرا گروپ دیا ہوا ہے، آپ لوگ مجھے گروپ میں جوائن کر سکتے ہیں. کمنٹ سیشن میرا آن ہے، آپ لوگ کمنٹس میں کوشچن کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. والسلام، اللہ حافظ.